क्या आप जानते हैं कि ताजमहल को बनाने में 100 कुंटल से अधिक सोने का प्रयोग किया गया। इसके गुंबद पर कई कुंटल वजनी सोने का वरक चढ़ा हुआ था, जिसे 18वीं सदी में जाट राजाओं द्वारा लूट लिया गया। आज भी ताजमहल के अंदरूनी हिस्से में अरबों रुपये का सोना लगा हुआ है, जिसका पता लगाना नामुमकिन है। ताजमहल को बनाने में 30 मिलियन से अधिक की धनराशि का प्रयोग किया गया और इसकी मौजूदा कीमत $1 बिलियन से अधिक है। ताजमहल की नींव में कई कुंटल सोने का इस्तेमाल किया गया, जो इसे आज भी दुनिया की सबसे अमीर ऐतिहासिक इमारतों में शामिल कर देता है। इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की लिस्ट में भी शामिल किया जा चुका है। हर साल 1 करोड़ से अधिक लोग ताजमहल देखने आगरा आते हैं। ताजमहल में बड़े पैमाने पर सोने का इस्तेमाल किया गया। इसकी नींव से लेकर पत्थरों के बीच में सोने की बड़ी बड़ी ईंटें इस्तेमाल की गईं। बहुत कम लोग जानते हैं कि ताजमहल का गुंबद पहले सोने के वर्क से ढका हुआ था, लेकिन 1764 में भरतपुर के जाट राजा ने ताजमहल पर हमला कर इसका सोना लूटकर अपने साथ लेकर चले गए। ताजमहल के पास चांदी के 2 बड़े बड़े गेट भी बनाए गए थे, जिन्हें जाट राजाओं ने हमले के दौरान लूट कर तबाह बर्बाद कर दिया। ताजमहल में जितनी कीमती धातुओं का इस्तेमाल किया गया, वो इससे पहले दुनिया के इतिहास में किसी इमारत में इस्तेमाल नहीं की गई। दुनिया के महंगे महंगे याकूत और जमुर्रद जैसे पत्थर इस इमारत की नक्काशी में इस्तेमाल किए गए। इतिहासकार लिखते हैं कि शाहजहां ने पूरे ताजमहल पर सफेद हीरों को जड़वाया था, जिन पर रोशनी पड़ते ही वो किसी बल्ब की मानिंद जलने लगते थे। लेकिन जब अंग्रेजों ने आगरा पर कब्जा किया तो वो अपने साथ इन हीरों और जवाहरात को उखाड़ कर इंग्लैंड लेकर चले गए। ताजमहल दुनिया की अकेली इमारत थी जिस पर करोड़ों रुपए की लागत के हीरे इस्तेमाल किए गए। सोने चांदी और हीरे जवाहरात के इस्तेमाल से ये इमारत इतनी चमकदार हुआ करती थी कि इसका नाम ही रोजे मुनव्वरा रखा गया था, यानी एक ऐसी इमारत जो सूरज की मानिंद रोशन हो। और इसका जिक्र 1636 में अब्दुल हमीद लाहौरी ने अपनी किताब पादशाहनामा में भी किया है। इसे बनाने के लिए पूरे एशिया से पत्थरों और नगीनों को मंगाया गया। शाहजहां ने पत्थरों को लाने के लिए 1000 हाथी मुकर्रर किए थे, जो हर दिन दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से हजारों टन वजनी पत्थर आगरा लेकर आते। ताजमहल के गुंबद को बनाने में ही 12 साल से अधिक का समय लग गया था। ताजमहल का निर्माण 1632 में मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था। ये कोई महल नहीं बल्कि शाहजहां की बीवी मुमताज की कब्र पर बना एक मकबरा था, जो वक्त के साथ ताजमहल के नाम से मशहूर हो गया। शाहजहां के लिए मुमताज एक बीवी से बढ़कर थी। वो अक्सर सियासी मामलों में उसकी राय लिया करता था। इतिहासकार लिखते हैं कि शाहजहां हिंदुस्तान के तख्त पर तो जरूर बैठा था, लेकिन सत्ता की चाबी मुमताज महल के हाथों में थी। और जब मुमताज की मौत हुई तो शाहजहां टूटकर बिखर गया। वो अपने किले की दीवार पर टहलते हुए जमुना नदी को घूरता रहता, और एक दिन इसी यमुना नदी के किनारे टहलते हुए उसे ख्याल आया अपनी बीवी की याद में एक शाहकार के निर्माण करने का। शाहजहां ने इस मकबरे के निर्माण के लिए दुनिया के कोने कोने से इंजीनियर और साइंटिस्ट बुलाए। बगदाद से लेकर तूस, हमदान और मिस्र के शहरों में मुनादी की गई कि मुगल सम्राट एक ऐसी इमारत बनाने वाला है जिसकी मिसाल इतिहास में भी नहीं मिलेगी। ताजमहल को बनाने की जिम्मेदारी शेराज में रहने वाले उस्ताद ईसा को दी गई, जो 20 सालों तक खड़े होकर ताजमहल का निर्माण करवाते रहे। लाहौर में पैदा होने वाले उस्ताद अहमद लाहौरी ताजमहल के चीफ आर्किटेक्ट थे। ताजमहल को ऐसे साइंटिफिक तरीके से बनाया गया कि इस पर भूकंप और बिजली का कोई असर ही नहीं होता था। इसकी मीनारें खास तरह से बाहर की ओर झुकी हुई हैं, ताकि अगर हद से ज्यादा तेज भूकंप आए तो ये शॉक वेव को एब्जॉर्व कर उसका असर ताजमहल तक ना पहुंचने दें। और अगर किसी वजह से गिरे भी तो ताजमहल के गुंबद और मुख्य इमारत को कोई नुकसान न हो। ताजमहल मानव इतिहास की सबसे खूबसूरत इमारत मानी जाती है। शाहजहां ने संगमरमर के गुंबद पर ना सिर्फ सोने का वर्क चढ़वाया, बल्कि ताजमहल के चारों ओर सोने से बनी एक रेलिंग का भी निर्माण करवाया, जिसे अंग्रेज लूट कर अपने साथ लेकर चले गए। मुमताज महल की कब्र पर हीरे और जवाहरात से जड़ी कई चादरें भी थीं, जिन्हें 1857 के गदर के दौरान लूट लिया गया। इस इमारत को बनाने में कितने बड़े पैमाने पर सोने का इस्तेमाल किया गया, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है
कि ताजमहल के अंदर और बाहर मौजूद खिड़कियों पर सोने की जालियों का इस्तेमाल किया गया था। ताजमहल में संगमरमर के अलावा अकीक, यमानी, फिरोजा, मूंगा और सुलेमानी जैसे पत्थरों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। ताजमहल के निर्माण में उस वक्त की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई। इस इमारत को बनाने के दौरान उस दौर में मुगलों की सभी इमारतों का मुआयना किया गया और हर इमारत से वो चीज चुनी गई जो बिल्कुल परफेक्ट थी। किसी मुगलिया इमारत से मीनारों की डिजाइन को कॉपी किया गया तो किसी से दरवाजों की बनावट को, और इस तरह उस्ताद ईसा ने एक ऐसा नक्शा तामीर किया जिसकी मिसाल मिलना नामुमकिन थी। आज भी ये नक्शा ताजमहल म्यूजियम में बड़ी हिफाजत से रखा हुआ है। ताजमहल को बनाने के लिए आगरा से 400 किलोमीटर दूर राजस्थान के मकराना से मार्बल मंगाया गया और आदेश दिया गया कि जब तक ताजमहल बन नहीं जाता किसी को संगमरमर का एक टुकड़ा भी नहीं बेचा जाएगा। और आखिरकार 20 साल के लंबे इंतजार और 22,000 मजदूरों की मदद से एक ऐसा शाहकार तामीर हुआ जिसे देखकर दुनिया दंग रह गई। ताजमहल की नींव और उसकी मुख्य इमारत में कितना सोना इस्तेमाल किया गया इसका अंदाजा लगाना भी नामुमकिन है, लेकिन इतनी भव्य इमारत की जिसने मुगलिया सल्तनत को आर्थिक तौर पर कमजोर कर दिया था, उसके निर्माण में क्या क्या इस्तेमाल किया होगा ये राज उस दौर के लोगों के साथ ही दफन हो गया। कहा जाता है कि शाहजहां ताजमहल के ठीक सामने और यमुना नदी के दूसरे छोर पर एक काला ताजमहल का निर्माण करवाना चाहते थे, लेकिन हालात की उठापटक और सत्ता परिवर्तन की वजह से ऐसा मुमकिन न हो सका। और आज भी यमुना नदी के किनारे उस काले ताजमहल की नींव के खंडहर देखे जा सकते हैं। ताजमहल की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ताजमहल के बाद दुनिया में कोई दूसरा ताजमहल नहीं बना। ताजमहल का निर्माण एक सोची समझी रणनीति के तहत किया गया था। आज भी इसके हर हिस्से में मुगलिया सल्तनत की शान और शौकत के राज दफन हैं। 42 एकड़ में फैला ये ताजमहल आज भी दुनिया को अपनी गौरव गाथा सुना रहा है। मुसलमानों ने भारत के लिए जो किया वो आज तक कोई नहीं कर पाया। मुगलों द्वारा बनाया गया ताजमहल आज सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि भारत की पहचान बन चुका है। सच तो ये है कि भारत में अगर ताजमहल न होता तो भारत में आज कुछ भी न होता। भारत सरकार सिर्फ ताजमहल से ही हर साल करोड़ों रुपए की कमाई करती है। अगर एक मुसलमान होने के नाते आपको गर्व महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटा जरूर दबाएं।